अभी मैं जब आ रहा था तो रास्ते में लिट फेस्ट हो रहा था। मेरा मन था जाने का बट मैं जानबूझ के गया नहीं, क्योंकि पीछे देखो कैमरा लगा। आई एम खान एंड दिस पल्टन ऑफिशियली एट एमबीए डिपार्टमेंट। बस लाइट जाने के बाद एमयू के छात्र स्ट्रेची हॉल पर अपना वक्त जाया करता है। लाइट आ गई। गाइस हम पिछले पता नहीं कितने मिनट से वेट कर रहे हैं, ये हमारे लिए खुल ही नहीं रहा। ये देख रहे हैं सब जा रहे हैं, जोमेटो वाले भैया भी गए, स्कूटी वाले चाचा भी गए, कुर्ते वाले भैया भी गए। हम शरीफ लोगों की कोई इज्जत है, खोल दो यार। इतने देर इंतजार करने के बाद मुझे लग रहा है ये खराब है दोस्तों, हमारे साथ धोखा हो चुका है, भागो। वो फ्री में लस्सी, लस्सी काट दिया गया। तुमको फालूदा चाहिए? एक काजू शेक, एक बादाम शेक, शेक्सपियर। अभी मैं स्ट्रेची हॉल, अरे यार गाइस अभी मैं सेंटेनरी गेट के सामने खड़ा था, मैं टाइमलेस बना रहा था, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है तो और कुछ कर नहीं पाया मैं। अभी मेरे दो सब्सक्राइबर्स भी मिल गए मुझे। क्या नाम है भाई? मोहम्मद राके, ये दोनों मऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सभी निकलते हैं हम अपने रूम की तरफ। और ये हम अपने हॉस्टल के अंदर बढ़ते हुए ओम फो स्ट्रगलिंग लाइफ, खुद से ही ब्लॉक करो, खुद से ही गाड़ी चलाओ। द्वार के अंदर प्रवेश करते हुए ब्रेक लगाने की जद्दोजहद जारी है दोस्तों। तो गाइस अभी मैं जब आ रहा था तो रास्ते में लिट फेस्ट हो रहा था, लिटरेरी क्लब का, लिटरेरी क्लब का जो है लिट फेस्ट 60 था ना, 6.0 नहीं था, 60 मतलब इवेंट चल रहा था। 6.0 है, अरे यार गलत। गाइस माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई, 60 नहीं 6.0 ही था, वो जो मैं सोच रहा था वही सही था। तो मेरा मन था जाने का बट मैं जानबूझ के गया नहीं, क्योंकि इस पूरे फितन दौर में हम फितने से जितना दूर रहे उतना बेहतर है, काफी भीड़ भाड़ से हम दूर रहते हैं। मन करता है मगर जद्दोजहद यही है, कितना भी मन करे कोई चीज करने का मगर अगर उसमें आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, गड़बड़ हो सकता है, तो उससे बच के रहना चाहिए। मैं मौलवी वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, ऐन खान वाली बात कर रहा हूँ। ऐन खान इज डैम ऐन खान। बंदा बगल में हंस रहा है, बैठ रही बगल में बैठ के मेरी बात पे हंस रहा है, देख रहे हैं अपना सीधा साधा इंसान हूं मैं, लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। इफ यू आर वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ भीड़ आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स उन्हें पता होगा मैं किस भीड़ की बात कर रहा हूं। भीड़ आमतौर पर बहुत तरह की होती है मगर कुछ भीड़ ऐसी होती है जिनसे बचना जरूरी है, तो मैं उसी भीड़ की बात कर रहा हूं। समझदार लोगों को इशारा काफी है। पापी आदमी डिस्ट्रैक्शन बन रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम माफ कर देते हैं लोगों को। जाओ माफ कर दिया, अरे जाओ माफ कर दिया। बाकी सब फर्स्ट क्लास, अभी चार हम टाइनिंग करने, उसके बाद फिर जाएंगे ईशा की नमाज पढ़ने, उसके बाद फिर चुपचाप चद्दर तान के सो जाएंगे। नहीं चद्दर नहीं तानेंगे, अभी गर्मी का मौसम है, चद्दर तानने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सो जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए पापी आदमी अपना फोन चार्ज पर लगाया, लाइट ही चली गई। अब क्या लगा के खड़े हो, लाइट गई। हटाओ, गैर महरम लोग आ रही है इसमें, क्लास में भी गैर महरम, ऑनलाइन भी गैर महरम, हर जगह पूरे हॉस्टल में लाइट चली गई है, कहीं पे भी रोशनी नहीं है सिवाय मस्जिद के और इधर वुजू घर के। कुछ है क्या खाने होने को? यार कुछ नहीं है, दो चाय दे दो भाई। मेरे बिना क्या होगा आपका, कौन रोशनी दिखाएगा आपको? दो ले ले रहे हैं हम लोग, ये इधर बैठेंगे हम, थोड़ा बारिश का मजा लिए थे। अरे यार गंदा इधर, काफी दिनों बाद कैंटीन की चाय। आप देख सकते हैं मेरे सामने लाइट जाने के बाद एमयू के छात्र स्ट्रेची हॉल पर अपना वक्त जाया करता है। लाइट आई अब आया ना लाइन पे, धोखा हो गया मेरे साथ। अरे भाया हमारे हॉस्टल में रोशनी आ गई छे, इस पे नहीं कर सकते, इसकी हालत खराब। अबे ये कौन सा एवोल्यूशन है भाई, बंदर की जगह बिल्ली चढ़ रही है। दोस्तों दिन है आज संडे का और हमें सारे काम आज करने पड़ेंगे अल्ट्रा फास्ट प्रो लेजेंड मैक्स स्पीड से। संडे का दिन कुछ स्पेशल नहीं होता है काम करने के लिए, मगर आज के दिन हम सारे काम समेटने की कोशिश करते हैं। अभी जाना है, डाइनिंग करना है, फिर कपड़े धुलना है, फिर नहाना है, फलाना ढिमकाना है, बहुत सारे काम है, उसके बाद फिर व्लॉग करने के लिए कहीं पर जाना है, कंसिस्टेंसी बरकरार रखकर आपको दिखाना है। अल्हम्दुलिल्लाह। दो साढ़े तीन, तुम स्विमिंग पूल में नहा के आओ।
कपड़े मैंने धुल दिए थे, सारे सूख भी चुके हैं, बस अब इन्हें प्रेस करना है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और बड़ा शोर है यार। मैं दोपहर में जब कपड़े वपड़े धुल लिया और सारे काम कर लिया तो बहुत तेज धूप थी, इसकी वजह से मैं बाहर निकला नहीं, वरना मैं व्लॉग करने के लिए बाहर निकलता। तो मैं जोहर की नमाज पढ़ के आया और रूम में सोने के लिए गया, मगर उसी में फोन आ गया और फोन में बातचीत करते 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 नींद भी खराब हो गई, सो भी नहीं पाया। अभी मैं सोचा था करूं क्या, मैं कहां जाऊं व्लॉग करने, जबरदस्ती है सब कुछ, देखते हैं क्या कर सकते हैं आज हम। ये तो यार मेरी बाइक की हालत, जब से सेकंड हैंड बारिश हो रही है ना उसके वजह से बाइक की हालत ऐसी बुरी हो जा रही है, मिट्टी 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 मिट्टी। जूते कपड़ों को संभालना बड़ा आसान है मगर इस बाहर वाली को संभालना बड़ा मुश्किल है। चलन तो गाइस अभी मैं एमएम हॉस्टल आया था जुबेर भाई के पास, जुबेर भाई जिनसे मैंने आपका तारुफ भी कराया था पिछले व्लॉग में, सास 2K22। अभी मैं उनको लेकर जाता हूँ, फिर एमबीए डिपार्टमेंट कुछ वीडियो शूट करनी थी। बाकी गर्मी तो एकदम बढ़िया वाली अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आप चेहरे पे देख सकते हैं पसीना आ जा रहा है, 2-2 सेकंड में पसीना आ रहा है। खैर ये ऊपर वाले की रहमत है। कहाँ रह गए भैया, पीछे देखो कैमरा लगा है, हम पीछे से अब बस क्लिप्स रिकॉर्ड करेंगे। 4 कह रहे हैं, सारे आगे लगते हैं, पिच्छू से सिर्फ छूटता है। पहुंच गए अपने हम मंजिल पे। संडे के दिन भी खुला रहता है क्या? आई एम खान एंड दिस पल्टन ऑफिशियली एट एमबीए डिपार्टमेंट। ये बिल्डिंग किसकी है? यही ऑडिटोरियम है क्या मेन वाला? नहीं नहीं ये बस सिटिंग हॉल है। अच्छा सिटिंग हॉल है। आइए पहले वॉक थ्रू कर लेते हैं, सेमिनार दिखाते हैं। ये क्लास है क्या? ये सेमिनार लाइब्रेरी। ये है भैया सेमिनार लाइब्रेरी जो कि बंद है संडे की वजह से। अरे जितना खुला होगा उतना एक्सप्लोर करेंगे, आज मुझे बस कंसिस्टेंसी के लिए आना पड़ा, कंसिस्टेंसी और अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ ना कुछ दे दें, वो हजम कर लें, इसके लिए हम आ गए आज। टीचर्स गैलरी में चलो। टीचर्स गैलरी अरे यहाँ तो शायद मैं आया था। ये कॉन्फ्रेंस रूम है, इसको तो हम पहचानता है। इसमें क्या क्या होता है कॉन्फ्रेंस रूम में? लेक्चर्स वगैरह भी होते हैं ना, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन वगैरह ही है। रोशनी आ रही ऊपर से, ये सब लॉन्च है क्या? नहीं टीचर्स के वो है क्या चैम्बर? हमको लगा लॉन्च है बैठने उठने के लिए। जो इवेंट होने वाला सास 2K22 उसके लिए प्रिपरेशन चल रहे हैं अंदर रूम के अंदर, तो उसी के बाहर में बैठा हुआ जो शोर आपको सुनाई पड़ रहा है वो वहीं से आ रहा है। तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ। बहुत सारे छात्र और छात्राओं को हमेशा डर रहता है नई यूनिवर्सिटी में जाने से पहले कि रैगिंग तो नहीं होती। आप देख लीजिए आपकी आंखों के सामने लाल लाल निशान लगा हुआ, नहीं होती है। जुबेर भाई आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं होती है ना, उसको हरा करना है। खतरनाक मसला हो जाएगा। संडे होने की वजह से बहुत सारी चीजें जो है बंद है यहाँ पे, सब कुछ मैं आपको दिखा नहीं सकता। अब तो लगा रहेगा नए नए डिपार्टमेंट्स हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। किधर से? इधर ही चल रहे हैं। इधर जा सकते हैं, थोड़े शीशा थोड़ा ऊंचा है हमारे लिए नहीं है। हेलो हेलो कोई है? हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, दीज आर द गोल्ड मेडलिस्ट। मतलब इनका अगर इनको कांटेक्ट करूंगा ये अपना गोल्ड मुझे दे देंगे, मैं बेच दूंगा उसको, पैसा ही पैसा। अच्छा ये अखिल बंसल कौन है इनका? ही वाज द सीईओ ऑफ केपीएमजी, और इन्हीं के नाम पे ये भी है अखिल बंसल एम्फीथिएटर। लस्सी, और जिन छात्र छात्राओं को ये भी शक रहता है हम यूनिवर्सिटी में फूंक सकते हैं, नहीं फूकड़ी हो तुम्हारे लिए जगह नहीं, लोग फूंक लेते अलग बात है, खुदा माफ नहीं करेगा। बस खत्म। ये हरप्पा मोहनजोदारो का सिविलाइजेशन। तो आज हमने एक छोटी सी झलक आपको दिखा दी एमबी डिपार्टमेंट की। बेसिकली यही है जिन्होंने ये ऑडिटोरियम बनवाया हुआ है, मिस्टर फ्रैंक और उनकी वाइफ डेबी। वो तो बाहर से दिखेगा। हेलो हेलो कोई है? नहीं है। आई एम वेरी मच एग्जॉस्टेड, सारे कपड़े सूख चुके हैं, कृपया करके रोशनी दे दीजिए। सो गाइस पूरा दिन सोया नहीं हूं मैं, अब मैं आराम से सोऊंगा, वीडियो को एडिट करके मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। जाओ सो जाओ सब लोग। मेरी पलटन हमेशा बदलते रहती है।